पीएम मोदी का उत्तर प्रदेश का दौरा जारी है और आज प्रधानमंत्री यूपी के लोगों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों को वो बड़ा तोहफा क्या मिलने वाला है, आधे मिनट की हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। यूपी को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात देने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी आज शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी शाहजहांपुर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में सीएम योगी के अलावा यूपी सरकार के दिग्गज मंत्री भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के शाहजहांपुर में शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। सुरक्षा व्यवस्था के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। हम आपको बता दें कि यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद मेरठ से प्रयागराज का सफर तो आसान हो ही जाएगा, वहीं दूसरी तरफ रोजगार के तमाम अवसर पैदा होंगे। 30 सेकंड की रिपोर्ट में पूरी खबर देखिए। पीएम मोदी आज शाहजहांपुर में जिस गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे वो साल 2025 में बनकर तैयार हो जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के दोनों ओर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेंगे जिससे 20,000 लोगों को नौकरियां मिलेगी। शिक्षण संस्थाएं, कृषि आधारित उद्योग भी बनाए जाएंगे। 602 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर 36,230 करोड़ रुपए की लागत आंकी गई है जिससे मेरठ से प्रयागराज का सफर आसान हो जाएगा। ये एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज तक जाएगा। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।